नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने प्ले स्टोर पर आ जाइए और प्ले स्टोर पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आकर सर्च करना है नाइट आउल। तो जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ऐप क्या काम करती है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, इसका नाम है नाइट आउल स्क्रीन डिम्बर और यहाँ पे जो पीछे लिखा है प्रोटेक्ट योर आइस एट नाइट। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग रात के टाइम पे अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इस पर गेमिंग करते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, तो हमारी आइस को ये प्रोटेक्ट करती है ऐप हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो चलिए हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इस ऐप का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, 1.21 MB इसका ऐप का साइज़ है। और अब ये इंस्टॉल भी हो चुकी है, मैं तो इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जो हमें यहाँ पे पहला होता है वो है स्क्रीन डिमर का। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्मार्टफोन है पहले से ही सबसे लो अपनी ब्राइटनेस पे है ये, पर फिर भी इसकी ब्राइटनेस काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लोग रात के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐप हमारे बहुत ही काम आएगी। तो मैं पहले ऐसे एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन डिमर कैसे काम कर रही है। और अगर मैं और कम करना चाहता हूँ तो मैं और आगे ले जाऊँगा, ये देखिए और कम और फिर अभी और कम। अगर इसे थोड़ा कम रखना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा एक्टिवेट, ये देखिए हमें ऐसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन मिल जाता है वो है ऑटोमेटिक स्टार्ट का, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये 7 बजे शाम को अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये शाम के 7 बजे अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। उसके बाद में हमें यहाँ पर कलर फिल्टर मिल जाता है और उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है हाइड फ्रॉम स्टेटस बार, यानी कि आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ऊपर स्टेटस बार में ये आ रहा है। अगर मैंने इसको हाइड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे परमिशंस में जाऊँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा ब्लॉक ऑल। और ये अभी ऊपर से हट चुका है, ये देखिए स्टेटस बार से। तो ये देखिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जो कि है फ़िल्टर नेविगेशन बार और जो दूसरा है वो है स्टार्ट ऑन बूट। तो ये भी कुछ खास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें लैंग्वेजेस काफ़ी मिल जाती हैं, ये देखिए। और उसके बाद में हम लोग अगर अबाउट में जाएंगे तो हमें इसके ओनर या फिर डिवेलपर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद में हमें ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है, इसको रेट करने का ऑप्शन है और इनकी बनाई हुई मोर ऐप्स या फिर कंट्रीब्यूट का। तो दोस्तों यही इस ऐप का रिव्यू था जो कि मैंने सोचा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है ऋषभ और आप लोग देख रहे हैं टेक मी आउट।